नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पर। जैसे कि साथियों आप सभी लोग जानते होंगे एएलपी के संबंधित जो आपकी जॉब एएलसी से संबंधित जो आपकी वैकेंसी है एएलसी से संबंधित जो आपका नोटिफिकेशन है अभी उस पर कुछ ऐसा स्टूडेंटों के मैसेज आए जिन स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही है समझने में कि सर हमको कौन सा ऐसा जोन है जिस जोन से हमको पेपर भरना चाहिए। अगर सिर्फ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स अपने अपने उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि हमको ये जोन भरना है, किसी को अपने घर से दूर नहीं जाना है, किसी को मन है कि भैया ठीक है हमें घर से दूर जाना है, तो कोई वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए उस जोन को भर रहा है। तो सबके अपने अपने कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं डिमांड्स होते हैं जिसकी वजह से वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें किस जोन में से भरना चाहिए। क्योंकि इसमें वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो आज मैं आपको ये जो आज हमारा इवेंट रहने वाला है इस इवेंट में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो करीबन 5700 वैकेंसी आई हैं, ठीक है, एएलपी की, इसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है और कौन सा जोन अगर आप वैकेंसी के हिसाब से देख रहे हो या घर के हिसाब से अपने आसपास से देख रहे हो तो कौन सा जोन आपके लिए बेटर रहने वाला है। सबसे पहले चलते हैं, समय खराब नहीं करते हैं बिल्कुल, और वॉर्म भरने से पहले आप लोगों के लिए जो मैं इवेंट लेके आया हूँ सबसे पहले तो याद रखना अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ जिस टेबल में मैं आप लोगों को ये पूरी जो एक बोर्ड है एक पूरा और उस बोर्ड में कौन सा जोन है तो वो आपको उसमें बताया जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, अनरिजर्व की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। पर उससे पहले आप ये जो जोन है ये जैसे WCR लिखा है ये वेस्टर्न रेलवे है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है तो वो भी मैंने आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए जैसे CR सेंट्रल रेलवे है ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे ER जो है ईस्टर्न रेलवे तो ये आप लोगों के लिए फुल फॉर्म डाल दी गई है। जैसे कोई बच्चा है अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि ये कोड क्या है WR क्या है तो वो वेस्टर्न रेलवे है WCR क्या है तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने इवेंट को शुरू करते हैं। तो ये आपको अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही हो कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो हालांकि मैं इवेंट में बोलता चला जाऊंगा, ठीक है, पर फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि किसमें कितनी वैकेंसीज देखी जा रही है। अगर एक रफ नजर हम मारें अगर हम ऊपरी नजर मारें तो हमारा नजर सबसे पहले कहां पे जाती है, हमारी नजर जाती है सबसे पहले सबसे ज्यादा वैकेंसी पे जो कि बिलासपुर वाला जो एरिया है जो बोर्ड है RRB वाला उसमें जो बिलासपुर वाला एरिया है उसमें भी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये वाला जो आपका जोन है उसमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है करीबन 1192, ठीक है। वैसे तो आप सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे ही होंगे कि टोटल वैकेंसी है जो वो कितनी है वो करीबन 5696 यानी कि हम कह सकते हैं 5700 वैकेंसी है। हालांकि मन में एक प्रश्न ये भी आया था कि भारत सरकार इतने साल बाद ये जो पेपर की वैकेंसी निकाल रही है इस वैकेंसी को इतना कम करने का क्या मतलब था, पर भारत सरकार ने यह चीज बोली है कि अब रेलवे ये कोशिश कर रहा है कि हम चार पांच साल में एक बार वैकेंसी ना निकाले, अब हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकलती रहे जिससे स्टूडेंटों की तैयारी भी हो और स्टूडेंटों को ये ना लगे कि वो लोग ओवर एज होते चले जा रहे हैं 4-5 साल के गैप में। तो एक बार हम सब पे नजर मार लेते हैं। अहमदाबाद वाला जो RRB है, ठीक है, जो आपका किसमें वेस्टर्न रेलवे में आता है उसमें आपकी करीबन वैकेंसी है टोटल 238 वैकेंसी, ठीक है। अगर अजमेर की बात की जाए तो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आ रहा है अगर आप अजमेर से भरना चाह रहे हैं तो उसमें आपको वैकेंसी करीबन देखने को मिलेंगी 228 प्लस। आप साथ में जरूर ये भी देख रखना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते जाइएगा। जैसे इसमें ST की मुश्किल से 13 वैकेंसी है, ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ देखते हुए चलना, ठीक है। बेंगलोर की अगर बात करें तो बेंगलोर आपका इसमें दो जोन है, एक आपका साउथ वेस्टर्न है और एक आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, इसमें आपको अराउंड टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी 473 और 219। बात करें सॉरी ये बेंगलोर में है। अगर मैं बात करूं जो भोपाल वाला एरिया है जो भोपाल वाला RRB है उसमें ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है और एक वेस्टर्न रेलवे है, इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वेस्टर्न सेंट्रल में 219 और जो वेस्टर्न रेलवे है वो आपका मुश्किल से 65, ठीक है। तो ये आपको उस चीज को ध्यान को रख के चलना है कि कौन सा वाला बोर्ड आपके पास है, आप इस एरिया से ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते हैं या फिर आपके मन में एक ये भी है कि अगर आपको भैया इंडिया में कहीं पे भी भेज दो तो फिर मुझे वैकेंसी आप सबसे ज्यादा देखिए फिर कहां पे है अगर आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर इसमें बात की जाए भुवनेश्वर जो है ये मैंने बोला था कि ये सब तो हमको समझ में आता है सेंट्रल रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पर ये एक बड़ा अजीब सा है ईकोर क्या चीज है तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे उसको ईकोर बोला गया है।
तो इस भुवनेश्वर वाले एरिया में आपको करीबन करीबन 280 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला था, बिलासपुर वाला जो आरआरबी है उसने सबसे ज्यादा वैकेंसी दी है। अगर हम दोनों को कंबाइन भी कर लें, 1192 और 124, तो करीबन करीबन हम कह सकते हैं कि 1300 के ऊपर ये वैकेंसी निकल जाएंगी। और ये वाला जो बोर्ड है आरआरबी वाला, इसने सबसे ज्यादा वैकेंसी, करीबन हम कह सकते हैं 5696 जो वैकेंसी है उनमें से अकेले हम कह सकते हैं 1300 वैकेंसी आपको इस बोर्ड में से देखने को मिल जाएगी। चंडीगढ़ वाला एरिया जिसमें आपको कट ऑफ अधिकतर देखने को मिली जाती है, ठीक है, इसमें आपकी मुश्किल से नॉर्दर्न रेलवे में आ रहा है ये, और इसमें आपको वैकेंसी 66 मिलेंगी, ठीक है। साथ में जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं उनकी भी हमने बकायदा अलग से वैकेंसी दे रखी है कि इनमें आपको कितनी कितनी पोस्ट है जो आपको यहां देखने को मिलेगी। चेन्नई जो आपका सदर्न रेलवे में आता है वो आपकी करीबन करीबन वैकेंसी 148 है। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो बड़ी कम देखने को मिल रही है इस बार वैकेंसी गोरखपुर वाले। ये एनईआर में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो इसका जोन है, और इसमें आपको वैकेंसी मुश्किल से 43 देखने को मिल रही है, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी वाला जो आपका, इसमें मुश्किल से 62 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर वाला जो है, जो नॉर्दर्न रेलवे में आ जाएगा, उसमें 39 वैकेंसीज हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता वाला जोन भी जरा बड़ा फेमस माना जाता है, पर उस हिसाब से वैकेंसी देखने को मिली नहीं है, ठीक है। इसमें दो जोन है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसमें आपको 254 और 91 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। साथ में मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं, जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। प्लस मालदा वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको दो जोन देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें वैकेंसीज आपकी 161 और 56 हैं, जो मालदा वाला क्षेत्र है। मुंबई वाला जो आरआरबी है, ये इसके सबसे ज्यादा जोन देखने को मिल रहे हैं। एक इसका साउथ सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है और सेंट्रल रेलवे है, इसमें आपको बकायदा 26, 110 और 411, ये हम कह सकते हैं जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 411, ठीक है। मुजफ्फर वाला जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, इसमें आपको महज 38 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए बात करें पटना की, तो पटना में वैकेंसीज जो है वो मुश्किल से आपको 38 देखने को मिली। प्रयागराज जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म देखने को मिलते हैं हमें, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट अप्लाई करते हुए दिखते हैं, वो आपको प्रयागराज वाले जोन में दिखते हैं। ये आपका दो पार्ट में है, एक एनसीआर है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे और एक आपका नॉर्दर्न रेलवे है, इसमें आपके 241 और 45 इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। रांची जो हम कह सकते हैं झारखंड के आसपास या झारखंड की राजधानी भी है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें आपको वैकेंसीज 153, यानी कि इसमें भी थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हाँ, सिकंदराबाद हम कह सकते हैं, सिकंदराबाद में पिछली बार भी वैकेंसीज देखने को मिली थी, इस बार भी हम कह सकते हैं कि करीबन करीबन 700 या फिर मैं बोलूं 750 वैकेंसी से ज्यादा आपको अकेले देखने को मिल रही है। मतलब 5600 वैकेंसी में से हम कह सकते हैं कि करीबन करीबन 2000 वैकेंसी हमें दो ही जोन से देखने को मिल जा रही है। एक तो सिकंदराबाद से देखने को मिल जा रही है, और एक मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था जो हमारा था, कौन सा, बिलासपुर वाला, ठीक है। तो ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पे से आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक। चलिए अगर बात की जाए किसकी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी आपको पता ही है कहां, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, जहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है अराउंड 67। और जो आपका तिरुवनंतपुरम है, जो आपका सदर्न रेलवे में आ रहा है, तो उसमें वैकेंसीज आपको 70 देखने को मिल रही है। तो आप अपने जोन को जरूर ध्यान रखना कि आप अपने जोन कौन सा बना के बैठे हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी जाना है, तो फिर तो कोई इशू ऐसा सच है नहीं। साथ में याद रखना, यूआर की टोटल वैकेंसी करीबन करीबन 2500 है हम कह सकते हैं, एससी की वैकेंसी 804, एसटी की वैकेंसी 482, ओबीसी की करीबन करीबन 1351 और 560 वैकेंसी आपको ईडब्ल्यूएस को देखने को मिलती है। एक्स सर्विसमैन जो है उसकी वैकेंसी 572 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 5696 है। और एक और चीज याद रखें कि जैसे कि होता ना कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है, लगन होती है कि सर हमको यही वाली जॉब करनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स में जोश होता है ना कि सर हमको सेना में ही जाना है, हमको कुछ का होता है कि सर हमें एयरफोर्स में ही जाना है, हमको सर नेवी में ही जाना है, हमको आर्मी में ही जाना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि सर जाना है रेलवे में। भैया रेलवे में जाके आगे जाके ट्रेन भी चलानी है, असिस्टेंट लोको पायलट। हालांकि आप धीमे धीमे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता चलाएगा, शुरू में तो आप असिस्ट करेंगे, धीमे धीमे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सपना देखा है कि हम जाएंगे रेलवे में काम करेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, तो उनका जो ये सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। और वो प्रयास क्या है जानते हैं,
तो रेलवे का जो अब वैकेंसी आ रही है एएलबी और टेक्नीशियन की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट वन और पार्ट टू होगा, सीबीटी पार्ट वन और पार्ट टू, उसको ध्यान में रखते हुए फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और डीजल मैकेनिक के बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। और ये बैचेस आपके 8 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, 8 फरवरी से। और वर्तमान में जो अभी आपको ऑफर दिया जा रहा है, उस ऑफर में जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो अराउंड 12,000 रुपीज है, बट एट प्रेजेंट इस ऑफर में आपको ये 2,000 रुपीज में दिया जा रहा है। कितने में? 2,000 रुपीज में। एंड व्हाट आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दिस बैच इज कि आपको वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे जो पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा और आपको ई नोट्स भी दिए जाएंगे यानी कि सॉफ्ट कॉपी। और समय समय पर क्विज के माध्यम से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में, आपकी तैयारी कितनी ज्यादा चल रही है, ठीक है। साथ में ये भी याद रखेंगे ये बैच आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा, ठीक। तो उम्मीद है आज का जो इवेंट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फायदा देगा। ऐसी ही मुख्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।